गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने बनाया है आज बेक्ड चिली बीन्स, और मुझे लगा कि मैंने बेक्ड बीन्स की पहले रेसिपी डाली भी है बट ये विद अ ट्विस्ट है, तो ये ज़रूर डालें अपने चैनल पे। और बहुत टाइम से एक्चुअली कुछ भी डाल नहीं पाई हूँ मैं अपने चैनल पे। तो ये रेसिपी दो पार्ट्स में होगी, एक में जब हम बीन्स प्रिपेयर करेंगे और दूसरे में जो आलू हमने बेक किए हैं उनको दोनों को मिला के असेंबल करेंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक। तो अभी बन रहा है बेक पोटैटोज का कुछ मूड। तो ये मैंने फॉइल के अंदर लपेट के पोटैटोज रख दी है और हीटिंग चला दी है। तो जब तक हमारे आलू जो है वो अवन में बेक हो रहे हैं, हम फटाफट चिली बीन्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये है एक चिली, ये मिक्स पेपर चिलीज होती है, ग्रीन और रेड का पैकेट आता है, कभी कभी खाली रेड का भी आता है। एंड दीज आर नॉट सो स्पाइसी, मतलब ये माइल्ड स्पाइस होता है। तो आप अगर बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, वो फिंगर चिलीज पतली वाली। और ये है लहसुन गार्लिक और एक मीडियम साइज का प्याज, एक कैन में डालेंगे हम एक प्याज। सुंदर सुंदर कलर वाली सब्जियां कट चुकी है, अब शुरू करते हैं अपनी प्रेपरेशन। मैंने ले लिया एक पैन, इसमें ब्रेड सेकी थी और इसके निशान गए ही नहीं, मैंने इतना किया है स्क्रब से भी बट निशान ही नहीं जा रहे। हल्का सा रोस्ट हो गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है, इसी स्टेज पे मैं डालती हूँ फटफट चिली। आने लग गई है, अब मैं डाल दूँ प्याज, द लास्ट स्टेप, आई मीन सब्जियों में लास्ट स्टेप। डालते हैं थोड़ा सा नमक, ऑलरेडी बेक बीन्स में थोड़ा होता है तो बिल्कुल हल्का हल्का डालना है। आलू का हाल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब हम इसको आलू पे डालेंगे तो हमें थोड़ा सा करी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं इसी टिन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, ये मैंने डाल दिया है पानी और अच्छे से स्वर्ल कर लिया है। अब एक वो कंसिस्टेंसी आ गई है जो मुझे चाहिए। इसको आप वैसे भी खा सकते हो, यू कैन ईट इट विद टोस्टेड ब्रेड और यू कैन जस्ट ईट इट बाय इटसेल्फ, बट ज़्यादा अच्छा आलूओं के ऊपर ही लगता है। तो यहाँ होता है पार्ट वन ख़त्म, यानी कि हमारे बीन्स प्रिपेयर हो चुके हैं, अब हम आलू को इनके साथ असेंबल कर लेते हैं। रेसिपी पार्ट टू पे आ जाते हैं। ये मैंने निकाल लिया है पोटैटो, गरम तो है क्या ये, यस आराम से खुल रहा है। ये रोज़ रोज़ बनाने वाली रेसिपी नहीं है, ओकेजनली खा सकते हो आप। ये बटर मैंने गरम किया है, इसमें गार्लिक के ग्रैन्यूल्स डाल रही हूँ तो गार्लिक बटर वाला फ्लेवर देता है, अदरवाइज आपके पास गार्लिक बटर है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन चुका है गार्लिक बटर। अब सबसे पहले हम गरम गरम पोटैटो पे चीज़ डालेंगे, ये जो बीन्स है ये डालेंगे इसमें, और ऊपर से ये हम गार्लिक बटर थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी ओकेजनल डिश, रोज़ खाएंगे तो एकदम फूल जाएंगे। तो ये जब अर्चना का बहुत मन कर रहा होता है कि बहुत ठंडे बाहर आज मन कर रहा है खाने का, बेक पोटैटोस खाते हैं, तब बनता है ये, वेरी वेरी ओकेजनल। बट डू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि इंडिया में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और एक बार अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा टेस्ट लगा आपको। आई होप यू एंजॉय द रेसिपी। ये जो तड़का है ना बीन्स का, इससे मतलब नेक्स्ट लेवल रहता है, ऐसा आपको यूके में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ दुर्गा के किचन में मिलता है।